हेलो दोस्तों। तो देखो, ये पोको X3 का हमारा मोबाइल है, ठीक है। तो ये डेड हो चुका है, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ चालू करके, ठीक है। देखो, मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये हीट हो रहा है बट ये चालू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका CPU में प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी मैं खोल लेता हूँ। देखिए, बाहर के नॉइस को आप लोग इग्नोर करना, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा ऐसा निकल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो अब इसको इसको भी निकाल लेना है। ये है हमारा नेटवर्क का रहता है केबल, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये IC पे ही जाना है, ठीक है। तो हम लोग फटाक से इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोग इसके ऊपर का ये निकाल लेते हैं दोस्तों, क्योंकि थोड़ा वो लग रहा है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो हम लोग निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए, ये इसका CPU है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको चेंज ही किया या तो निकाल के लगाया है, आप लोग YouTube पे देखे होंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ भी, हम लोग इसको पेस्टिंग लगा के हीटिंग देंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों कि देखिए, ये 1 मिनट में इसको सफाई से पहले कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आगे से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए सिर्फ। देखो दोस्तों, दिखाता हूँ मैं जो IC के बाजू में कंपोनेंट है, इसको एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग के सामने। उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंपोनेंट को रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से हमें इसको पहले कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना है, ठीक है, ये वाईफाई वाले सिंबल पे। अब देखिए, मैं यहाँ से एक अपना रेड वाला प्रोब GND के पत्रे पे रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं इसको। देखिए, वन साइड तो ये बता रहा है, दूसरे साइड क्या बता रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब ये हमारा जो ये कंपोनेंट है, ये भी मेरे हिसाब से शायद गया हुआ है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए IC में पावर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए, दोनों साइड में एक ही बता रहा है। तो हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग इसको पेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छे से इसको पेस्ट लगा के हीटिंग देने का है हमें, ठीक है। तो मैं ये पेस्ट लगा लेता हूँ इसमें, ठीक है। और उसको उसके बाद हीटिंग दे देंगे हम लोग। हम लोग धीरे धीरे इसको हिट देते हैं। देखिए दोस्तों, पिघल रहा है, आप लोग देख सकते हैं पिघल रहा है, चारों तरफ से अच्छे से लगाना है। ठीक है,
इसको अच्छे से हीटिंग देना है इसको अच्छे से, और थोड़ी हीट बढ़ा देते हैं। मैं आपको लाइव चालू करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको अच्छे से हीटिंग दे दूं। ये आप लोग देख रहे हैं कि धुआं भी निकल रहा है इसमें, देख लीजिए ना, धुआं निकल रहा है। इसको क्या, हमें आईसी को अच्छे से हीट देना है। क्या होता है कभी कभी बॉलिंग जो होती है ना आईसी की, वो हीट होने की वजह से एक दूसरे में मिल जाती है। ऐसे भी होते हैं, या तो कोई कोई बॉलिंग उसे छोड़ देती है ज्यादा हीट होने से। तो हम लोग को आईसी को चारों तरफ से अच्छे से हीटिंग देना है, ठीक है। ये वाली आईसी को भी थोड़ा हीट दे देना दोस्तों। इसको अच्छे से देना है क्योंकि ये सीपीयू आईसी होती है दोस्तों, तो इसको अच्छे से हीटिंग देना है जिससे आपका मोबाइल चालू हो जाए। तो दोस्तों अच्छे से इसको हीटिंग दे देने का। देखिए हमारे कितना लाल हो गया, मतलब हीटिंग अच्छे से जा रही है। तो दोस्तों अभी अच्छे से हीटिंग हो चुकी है। अब अच्छे से हीटिंग हो चुकी है तो हम लोग को थोड़ा सा आईसी पे लिक्विड मार के इसे साफ करना है, ठीक है। अच्छे से इसको साफ कर लेना। अब इसको हम लोग लगा के देखेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इसको फिटिंग करके फिर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने इसको अच्छे से इसको आईसी को आपके सामने हीटिंग किया था। अब देखिए मैं इसको चालू करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने ही मैंने आईसी को हीटिंग किया था, उसके बाद ये चालू हो गया। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि जो हमारा आईसी होता है उसके कुछ बॉलिंग हीटिंग की वजह से छोड़ देते हैं। इसके लिए आपको हीटिंग देना अच्छे से पेस्ट लगा के, उसके बाद आपको आईपी से साफ कर लेना। देखिए मोबाइल ऑन हो चुका है, थोड़ा आईसी हीट हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए अभी मोबाइल पूरी प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, ठीक है। तो मेरी वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय दोस्तों, ऐसे न्यू वीडियो मैं लाते रहता हूँ। बाय बाय दोस्तों, एक बार ट्राई कीजिए फिर मेरे ऊपर भरोसा होगा, ठीक है। आईसी को हीटिंग देना है और पेस्ट लगा के, और बाद में आईपी से साफ कर लेना, सही हो जाएगा, ठीक है।